आप आपके मानसिक रुग्ण को, मेंटल पेशेंट को अकेले हॉस्पिटल में रख के उसका इलाज करके बाद में उसको घर पे वापस लेने के जाना चाहते हो? हो सकता है कि आपका पेशेंट बहुत वायलेंट है, आक्रामक है, तोड़फोड़ करने वाला है, मानसिक रुग्ण है, घर में उसको रखकर इलाज करना बहुत मुश्किल है, उसको हॉस्पिटल में रखना है और आप भी रिश्तेदार हॉस्पिटल में उसके साथ में रह नहीं सकते हैं, उसका इलाज करना जरूरी है मगर आपको रुकना मुश्किल है, इसलिए आप हॉस्पिटल में रुकना नहीं चाहते हो तो हमारे यहाँ भर्ती कीजिए। हम पेशेंट को अकेले भर्ती रखते हैं और अकेले भर्ती रख के उसका इलाज करते हैं। वैसे कोई पेशेंट ऐसा है कि उसको रिहैप करना है, पुनर्वसन करना है, मतलब वो मेंटली पेशेंट से ठीक हो गया है, मानसिक रुग्ण ठीक हो गया है मगर अभी उसको कुछ दवाई देने की जरूरत है, कुछ दिन तक दवाई देने की जरूरत है, तो हमारे यहाँ उसको रखो और फिर उसको एक दो महीने के बाद में आराम से घर पे लेके जाओ ताकि उसका पुनर्वसन अच्छी तरह से हो जाएगा। हो सकता है कि आपका पेशेंट मंदबुद्धि का हो, बहुत वायलेंट है, आक्रामक है, तोड़फोड़ करने वाला है, मंदबुद्धि का है और उसको भी रखना आप चाहते हैं हमारे हॉस्पिटल में और उसको अकेले रखना चाहते हैं। वैसे ही शराबी है, बहुत शराब पीता है, कंट्रोल नहीं होता है, बाहर जाके फिर तोड़फोड़ करेगा या बाहर जाके गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा शराब पी के उसने हालत खराब कर दी है, या उसको गर्द की लत है, गांजा, ब्राउन शुगर, भांग की लत है, तो उनको भी अकेले आप हमारे हॉस्पिटल में रख सकते हैं। बुजुर्ग लोग हैं कि जिनको डिमेंशिया हुआ है, रास्ता भूल जाते हैं, घर पे वापस आते नहीं, बाहर निकलते हैं वापस आना मुश्किल है उनके लिए, या घर पे रख के वो कपड़े में बाथरूम संडास कर देते हैं, तो ऐसे पेशेंट को घर में रखना मुश्किल हो जाता है, तो उनको भी आप हमारे यहाँ अकेले रख सकते हैं। हो सकता है कि आपको कहीं बाहर गाँव जाने का है और ऐसा पेशेंट घर में अकेला रखना मुश्किल है और बाहर गाँव लेकर जाना भी मुश्किल है, या आपके घर में शादी है और ऐसा मानसिक रुग्ण घर पर रखना मुश्किल है आपको, तो आप हमारे यहाँ कुछ दिन के लिए उसको दाखिल कर सकते हैं और आप शादी, ब्याह, फॉरेन टूर, पिकनिक सब करके हमारे यहाँ से आप वापस लेकर जा सकते हो। तो ऐसे हमारे यहाँ व्यवस्था है। मैं आपको हमारा हॉस्पिटल बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये हमारे हॉस्पिटल का एंट्रेंस है, सन्मित्र मानस वो व्यसन मुक्ति हॉस्पिटल, ये एंट्रेंस है, ये बाहर से बिल्डिंग है और फिर हम यहाँ से आपको एंट्री देते हैं। पेशेंट भाग ना जाए करके हमने 1, 2, 3 ऐसे गेट रखे हुए हैं, ऐसे गेट्स है और हम रिलेटिव्स को फिर अंदर आने देते नहीं है। एक बार पेशेंट अंदर आ गया तो विजिटर्स सिर्फ बाहर ही मिलते हैं। अभी देखिए, ये हम पेशेंट्स की ग्रुप मीटिंग करते हैं, ग्रुप मीटिंग, सबको एक साथ में बिठा के उनकी ग्रुप साइकोथेरेपी होती है, ग्रुप मीटिंग होती है, उसमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो उनका मानसोपचार करते हैं। यह ग्रुप मीटिंग, अभी उनका एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट के लिए हम उनको कैरम, तो देखिए ये कैरम खेल रहे हैं, फिर लोग मैदानी खेल भी खेलते, क्रिकेट है, हम उनको एक्सरसाइज करने के लिए डंबल्स है, बाकी जिम के इंस्ट्रूमेंट्स हम उनको देते हैं तो उनकी एक्सरसाइज भी होती है, उनकी पीटी भी लेते हैं सुबह रोज सवेरे, वो सॉन्ग्स गीत गाते हैं, उसमें प्रार्थना भी होती है और गीत भी गाते हैं। ये उनको तपासा करते हैं, डॉक्टर तपास से उनको रोज उनका चेकअप होता है और उनको दवाई भी दी जाती है, तो एक 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 करके पेशेंट को पूछते हैं, उसको दवाई हाथ में देते हैं, खिलाने के लिए बोलते हैं, खाने के लिए बोलते हैं और वो खा के निकल जाता है। ये मेडिसिन हम डिस्ट्रीब्यूट उसको करते हैं। ये सुबह का नाश्ता, चाय उनको सवेरे वहाँ मिलता है, फिर दोपहर का भोजन, भोजन के समय प्रार्थना बोलते हैं और प्रार्थना बोल के फिर भोजन होता है और शाम को चाय होती है और रात को उनको खाना होता है, डिनर होता है, तो ये डिनर चल रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए उनको टीवी है, फिर बुक्स रीडिंग है, फिर उनको मेडिटेशन करवाते हैं, मेडिटेशन और सेल्फ हिप्नोसिस का सेशन भी उनका अलग से होता है। वैसे उनको मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल जो वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं वो उनको हम सुनवाते हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस जैसी मीटिंग होती है, उस जैसी मीटिंग हमारे यहाँ होती है अल्कोहलिक्स की, और अल्कोहलिक जो है, शराबी या
बाकी जिनको व्यसन है वो अलग रखे जाते हैं और मानसिक रुग्ण जो है वो अलग रखे जाते हैं। शराबी जो व्यसनी है, शराब के व्यसनी, उनकी प्रार्थना, उनका जो 12 स्टेप्स है, 12 रूढ़ी है, उनका वाचन रोज होता है, तो इस तरह का उनका पूरी दिनचर्या बंदी भी है, और फिर वो घर से, घर के वातावरण से दूर रहते हैं, तो नेचुरली उनके ऊपर असर अच्छा होता है। हमारे यहाँ मेल वार्ड अलग है, फीमेल वार्ड अलग है, ये फीमेल वार्ड है। ये देखिए दीवार के ऊपर कोट्स लिखी हुई है, अलग 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 कोट्स है दीवार के ऊपर, इंस्पिरेशनल कोट्स है, ये कोटेशंस है। वहाँ हमारे रेसिडेंशियल डॉक्टर है, नर्सेज रेसिडेंशियल है, और वो वहाँ वास्तव करते पेशेंट के साथ में। तो इस तरह का हमारा हॉस्पिटल है। जब हम पेशेंट को भर्ती करते हैं तो पेशेंट का पैथोलॉजिकल टेस्ट पूरी हो जाती है, कुछ इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करने हम पूरी कर लेते हैं, और वो सब करने के बाद में पूरा फॉर्म वगैरह भर के उनका खाने का इंतज़ाम, कैटरिंग जो है उनके लिए वो अलग पेमेंट कर देते हैं, मेडिकल का अलग पेमेंट कर देते हैं। फिर डिस्चार्ज के समय भी जब रिलेटिव आते हैं तो उनको अप्रॉक्सीमेटली कुछ लोग 1 महीना रखते हैं, कुछ लोग 2 महीना रखते हैं, और कुछ ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं ज़्यादा समय रुकना है और ज़्यादा समय वहाँ पेशेंट को रुकना है, कि घर में रखना मुश्किल है, तो फिर उनको ज़्यादा भी रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी काफ़ी पेशेंट जो ऐसे हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा दिनों से हैं, क्योंकि उनको घर में देखने वाला कोई नहीं है, वो घर में वायलेंट हो जाते हैं, कभी कभी अच्छे रहते हैं, फिर घर में दवाई लेते नहीं है बराबर। फिर हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ दवाई हम उनको बराबर देते हैं, तो फिर दवाई लेते हैं तो कंट्रोल में रहते, घर जाते हैं तो दवाई लेना बंद कर देते, घर जाते हैं तो शराब पीना चालू कर देते, फिर हमारे यहाँ बराबर रहते, व्यवस्थित अच्छी तरह से रहते। तो इस तरह से हमारे यहाँ इलाज होता है। और आपको यदि पेशेंट को घर से लेकर जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ तक लाना भी मुश्किल है समझो किसको, तो घर से लेकर जाना है तो हम एम्बुलेंस भेज के, हमारे स्टाफ नर्स उनको भेज के इंजेक्शन दे के उसको हम घर से गाड़ी में, एम्बुलेंस में उसको ला के हमारे यहाँ भर्ती करते हैं, और फिर उसको वापस अच्छा होने के बाद में घर पर पहुँचा भी देते हैं। तो ये संभव है, आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे यहाँ आपके पेशेंट को भर्ती करके उसका इलाज करके, और आप पता है अभी इतना ये फास्ट लाइफ है, इसमें पेशेंट के साथ में 8-10 दिन 15 दिन रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसमें पेशेंट के साथ में रहने की ज़रूरत नहीं है, अकेला पेशेंट रख के उसका इलाज करके आप बाद में उसको घर पे लेकर जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, ताकि जिनको भी ये प्रॉब्लम है तो वो उसका फ़ायदा उठा सकेंगे हमारे हॉस्पिटल का, उनको लाभ होगा, पेशेंट भी अच्छा होगा और उनका भी लाइफ चलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।